समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर विधानसभा से लोजपा ने सुंदेश्वर राम को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुंदेश्वर राम को टिकट मिलते ही सबसे पहले वो अपने क्षेत्र कल्याणपुर विधानसभा में मंदिरों में जाकर देवी देवताओं का दर्शन किया और इसी के साथ जनता का भी आशीर्वाद लिया। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर विधानसभा से लोजपा ने सुंदेश्वर राम उर्फ मोना प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुंदेश्वर राम को टिकट मिलते ही पहले अपने क्षेत्र कल्याणपुर विधानसभा में जाकर कई मंदिरों में देवी देवताओं का दर्शन किया और माथा टेका और विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आशीर्वाद लिया। कल्याणपुर के जनता ने कहा कि सुंदेश्वर राम एक समाज सेवी है। कल्याणपुर में लोगों को हर सुख दुख में उन्होंने साथ दिया है। वहाँ के लोगों का कहना है कि अब हम लोगों की बारी है, हम भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा भेजेंगे। कल्याणपुर विधानसभा में इनके टक्कर में कोई नहीं है। कल्याणपुर के जनता का कहना है कि सुंदेश्वर राम को विजय बनाकर विधानसभा भेजेंगे, तभी हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान का असली श्रद्धांजलि होगी। सुंदेश्वर राम ने कहा कि जनता हमें आशीर्वाद देगी तो हम जीत कर कल्याणपुर के क्षेत्रों में अधिक से अधिक विकास करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क ठीक करेंगे, यही मेरी पहली प्राथमिकता होगी और हम इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, यही हमारा संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। भरोसा करके आपको कल्याणपुर से टिकट दिया, आप कितने खड़े उतरिएगा इसको? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समय सही निर्णय पर उतरती है और इस पार्टी में हर धर्म के लोगों को मिला के चलना, हर धर्म के लोगों को पार्टी में जोड़ना इनका पहला कर्तव्य है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी अपने पिताजी का शोक में जुटे हुए हैं और चुनाव सर पे है, फिर भी हम जनता का जो मनोबल है, जो जनसैलाब चल रहा है हर क्षेत्र में, पूरे बिहार में, एक जगह नहीं पूरे बिहार में, मुझे आशा है, आप लोगों के माध्यम से ये बताना भी चाहता हूँ कि आगे चल के हमारे चिराग बाबू सीएम बनने जा रहे हैं और मैं कल्याणपुर की धरती से बोल रहा हूँ, यहाँ पूछा की धरती से मैं चुनावी अभियान अपने माता का पूजा करके चुनावी अभियान का शुरुआत अपने अध्यक्ष जी के साथ में मुखिया जी सभी यहाँ पर देख लीजिए, जन सैलाब जो है यहाँ की जनता में कितना उत्साह है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रति, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। आप इससे पहले एक नारा अभियान चला था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और ये हमेशा आप लोग सोच के चलिए कि ये नारा क्या नारा है, ये घोटालेबाजों का नारा नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अगर ये नारा कामयाब हमारे चिराग बाबू कर लेते हैं जनता की आशीर्वाद से, तो हमारा बिहार पूरे भारत में नंबर वन कहलाएगा। आज जो स्थिति बनी हुई है, नीतीश बाबू 15 साल सरकार चला के बिहार को और जर्जर बना चुके हैं और वो अब कहीं भी कोई भी क्षेत्र में वोट लेने का हकदार भी नहीं है। इसलिए इस बार लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से उभर रहा है और उभरेगा, भविष्य में हम लोग का सीएम उभरता हुआ चेहरा चिराग पासवान जी होंगे। किस उद्देश्य से आप चुनाव लड़िए? चुनाव में कौन कौन से मुद्दे को लेकर आप इस बार आ रहे हैं? देखिए, बड़ी बड़ी मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ना जुमलेबाजी होता है। मैं एक समाज सेवक हूँ और इससे पहले भी समाज का सेवा करते आया हूँ। भाजपा का पद पे था, जिला मंत्री था, पहले महादलित प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष था, इसके बावजूद भी लोक जनशक्ति पार्टी ने मुझे ही कल्याणपुर विधानसभा से टिकट देके क्यों लड़ाने के लिए राजी हुए? क्योंकि कल्याणपुर के पूरे विधानसभा से 5000 जनता ने कॉल करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके हमें टिकट सौंपने का आग्रह किया था। अगर आप चुनाव को जीतते हैं तो जनता के प्रति पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, जनता के प्रति पहली प्राथमिकता जो हमारा रोड जो है जर्जर, जो आप कहीं सही से आप चल नहीं सकते हैं, कहीं अपने बीमारी को लेके जल्दीबाजी कोई भी गाड़ी को
इमरजेंसी सेवा आप नहीं दे सकते हैं। ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरा प्राथमिकता रहेगा वीडियो सीओ मेरा टारगेट होगा, जो जनता का शोषण करने में आगू है। अव्वल नंबर वन सीओ वीडियो एमओ, जो कुछ चंद लोगों के हाथे वो बिक जाते हैं और शोषण किसान का होता है, जनता का होता है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।